हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए, और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें, जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। इस स्टॉक पे मैंने जो है आप सभी को जो टारगेट्स बताए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। मैंने इस शेयर में आपको जो टारगेट बताए थे वो टारगेट बताए थे 5500 के, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। और मैंने फिर इस शेयर में 37,500 तक के टारगेट्स आप सभी को दिए थे, आने वाले दिनों में वो भी अचीव होते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। मैं आप सभी के सामने इस स्टॉक में जो है इसकी टेक्निकल लेवल्स लेकर हाजिर हूँ। क्यों मैं इस शेयर के टेक्निकल्स लेवल्स आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस शेयर के अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ, तो इस शेयर के फंडामेंटल्स जो हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे नहीं लगते। ये शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है हाईली वैल्यूएशन पर। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये शेयर जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, पर अभी मैं इसके फंडामेंटल्स लेवल्स जो है इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस शेयर के टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा। इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ थोड़े से फंडामेंटल्स लेवल के बारे में जानकारी दे दूं। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 83.9% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 67.5 बुक पर ये वैल्यू बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं बात करूं तो लो और हाई जो है वो 5488 जो है वो हाई था, और 1641 जो था इसका लो था। और अगर मैं इस करंट प्राइस की बात करूँ तो 5019 जो है वो इसका करंट मार्केट प्राइस है, और मार्केट कैप जो है वो 14581 है। पर इस शेयर पर मैं इसके जो सिर्फ फंडामेंटल्स लेवल्स लेकर क्यों हाजिर हूँ, क्योंकि टेक्निकली ये शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और नीचे में आपको जहाँ पे इस शेयर को स्टॉप लॉस लगा लेना है 4880 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में नहीं, नीचे में अगर ये तोड़ता है तो जो एक्यूमुलेशन जोन हो सकते हैं वो हो सकते हैं 4650 4519 4476 और 4193 और 3779। ये जो है आपके नीचे में एक्यूमुलेशन जोन हो सकते हैं। आपको इस शेयर को जब भी करेक्ट हो तो आपको नीचे में इस शेयर को नीचे में ज़रूर एक्यूमुलेट करना है। पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ऊपर में आने वाले दिनों में इस शेयर में कौन कौन से लेवल्स हैं जो आने वाले में समय में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस शेयर में टारगेट जो है 7500 का दे दिया है। तो मेरा आने वाले समय में इस शेयर पे जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है, पहला टारगेट आपको ध्यान रखना है 5260 का पहला टारगेट होना चाहिए आपका। दूसरा टारगेट 5391, तीसरा टारगेट 5674, चौथा टारगेट 6000, और अगर ये 6000 पॉइंट होता था 6750 और 7500 तक के टारगेट जो है आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है आप सभी को दिखा सकता है। मैं इसके फंडामेंटल्स लेवल्स आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब इसके रिजल्ट आएंगे तो मैं इसके रिजल्ट लेकर आकर फिर से एक नया टारगेट दूंगा। पर मेरे को ये बताना ज़रूरी था आप सभी को, क्योंकि मैंने आपको 7500 तक का टारगेट दिया था और 5500 का शॉर्ट टर्म में टारगेट दिया था, जो वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। आप सभी को ये लेवल्स पर ध्यान देना है, नीचे में एक्यूमुलेशन जोन पर ध्यान देना है। रिजल्ट आए खराब आए तो वो नीचे जाएगा, और रिजल्ट अच्छे आए तो 7500 आने वाले 9 से 12 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपको ये इंडिया मार्ट इंटरमार्ट लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी, टेक्निकल जानकारी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारी ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।